MPH दैट मीन्स मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। इस कोर्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में आपको इस कोर्स के एलिजिबिलिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी और 15 कॉलेज उसके फ़ी और एडमिशन डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। पहले हम एलिजिबिलिटी के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको किस तरह का जॉब मिल सकते हैं, आखिर में हम 15 कॉलेज के बारे में बताएंगे। एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड जैसे MBBS, BDS, उसी तरह ग्रेजुएट फ्रॉम आयुष जैसे आयुर्वेदा में जिन लोगों ने ग्रेजुएट की है जैसे BAMS, उसी तरह जो यूनानी में होम्योपैथी में जो ग्रेजुएट की है उन लोगों को भी यहाँ पे एडमिशन मिल सकते हैं। उसी तरह जिन लोगों ने ग्रेजुएट कंप्लीट की नर्सिंग फील्ड में, फार्मेसी फील्ड में, उन लोगों को भी एडमिशन मिल सकते हैं। उसी तरह ग्रेजुएट फ्रॉम एलाइड हेल्थ साइंस जैसे ऑक्यूपेशनल थेरापी, BASLP, BPT, उन लोगों को भी यहाँ पे एडमिशन मिलते हैं। नंबर 5, ग्रेजुएट फ्रॉम न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इन फील्ड से जिन लोगों ने ग्रेजुएट की है उन लोगों को भी यहाँ पे एडमिशन मिलते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो इस तरह कहते हैं कि मास्टर डिग्री फ्रॉम एनी साइंस स्ट्रीम जैसे एम्स जोधपुर, IISMR, नंबर 7, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम। सिर्फ कुछ ही यूनिवर्सिटी ऐसे है जो ये कहते हैं किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट कंप्लीट हो आपको हम एडमिशन देंगे, जैसे कि एम्स ऋषिकेश, आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, तो इन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम एडमिशन मिल सकता है। लेकिन आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। आपको ग्रेजुएट किसी फील्ड में कंप्लीट कर चुके हो उसके बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करने का। अब हम बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। आपको प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पर भी जॉब मिल सकते हैं, हेल्थ एडुकेटर के तौर पर भी आपको जॉब मिल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर इंस्टीट्यूशनल केयर, प्रोटेक्शन ऑफिसर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर, ऑफिस इंचार्ज जैसे सुपरिंटेंडेंट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, हेल्थ पॉलिसी एनालिस्ट, ग्लोबल हेल्थ स्पेशलिस्ट, बायो स्टैटिस्टिशियन, इन्वायरमेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्थ प्रमोशन स्पेशलिस्ट। अब हम 15 कॉलेज और उनके फीस के बारे में आपको बताएंगे। एम्स जोधपुर, इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस देना होगा, एंट्रेंस के बाद ही आपको एडमिशन मिल सकता है। और उन लोगों का फ़ी है 1,40,000 फॉर 2 ईयर्स। एम्स ऋषिकेश फी सेम है 1,40,000 फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे भी एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन मिलते हैं। उसके बाद जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वो मेरिट के बेसिस एडमिशन देते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाकर आपको खुद चेक करना होगा। सिम्बायोसिस पुणे मुंबई, टोटल फी है 4,77,900। अमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव, एलिजिबिलिटी ऐसा है कि MBBS, BDS, BAMS, BASMS, डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ, BSc नर्सिंग विथ मिनिमम 50% मार्क्स, उन लोगों को ही सिर्फ यहाँ पे एडमिशन मिल सकते हैं। टोटल फी है 2,36,000। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर कोसी केरला, ट्यूशन फी पर ईयर 2,20,000 और हॉस्टल फी है पर ईयर 68,000। वर्ल्ड इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता वेस्ट बंगाल, इन लोगों का फी है 3,00,000। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ भुवनेश्वर उड़ीसा,
पर ईयर फी है 1,50,000 और वन टाइम एडमिशन फी है 10,000। द अपोलो यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, इन लोगों का फी है 2,40,000। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान, फी है 1,68,500 पर ईयर। आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी टोटल फी है, टोटल ट्यूशन फी है 2,58,500। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तेलंगाना, तेलंगाना में है, हैदराबाद के तेलंगाना में है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इनका फी है, टोटल फी है 80,000। मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल कर्नाटका, फी है 3,48,000, टोटल फी है 3,48,000। श्री रामास्वामी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई तमिलनाडु, एनुअल फी है 1,50,000, दैट मीन्स 2 ईयर्स का टोटल फी होगा 3,00,000। नीट यूनिवर्सिटी मैंगलोर कर्नाटका, पर ईयर फी है 1,11,000। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर गुजरात, टोटल फी है 2,40,000। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।